CRPF जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जिन्हें भारत का अर्धसैनिक बल भी कहा जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय पुलिस बलों में से एक है। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 यानी 27 जुलाई 1939 को हुआ था, जिनका मुख्यतः काम आतंकियों को मार गिराना, दंगों पर नियंत्रण करना, युद्ध काल के दौरान दुश्मनों पर आक्रमण करना, प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य करना, इसी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखना और भी बहुत से काम जिन्हें CRPF ऑफिसर करता है। अगर आप भी CRPF ऑफिसर यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती होने के लिए आप में कुछ योग्यताओं का होना जरूरी है। अगर इस वीडियो में बताई गई योग्यता आप में नहीं पाई जाती तो आप कभी CRPF की भर्ती के लिए आवेदन नहीं दे सकते। नंबर 1, आप 10th और 12th क्लास पास होने चाहिए, साथ ही 10th और 12th क्लास में आपके कम से कम 60% होने चाहिए। नंबर 2, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। नंबर 3, आपकी उम्र सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। नंबर 4, आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ होने चाहिए। नंबर 5, आपको किसी भी प्रकार की आंद्रोनिक बीमारी या किसी तरह की गंभीर बीमारी नहीं होना चाहिए। नंबर 6, पुरुषों की हाइट 165 सेंटीमीटर वहीं महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर 7, आपके चेस्ट का साइज बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर वहीं फूल आने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। नंबर 8, आपकी आंखों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में जाने के लिए किन योग्यताओं का होना जरूरी है, यह सब तो आप सभी ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि CRPF की भर्ती के लिए आपको किन किन एग्जाम से गुजरना होगा। CRPF में भर्ती होने के लिए आपको 10th क्लास पास करने के बाद CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एग्जाम की तैयारी करनी होगी, जिसमें आपके यह एग्जाम 3 चरणों में होगी। नंबर 1, लिखित एग्जाम। नंबर 2, मेडिकल टेस्ट। नंबर 3, इंटरव्यू, जिसमें लिखित एग्जाम में आपसे वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे और यह वैकल्पिक प्रश्न सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग आदि सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सारे विकल्प का सही जवाब दे देने पर और लिखित एग्जाम पास कर देने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में सफल हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसे क्लियर कर देने के बाद आपको CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती कर लिया जाएगा, जिसके बाद आपकी ट्रेनिंग भी शुरू कर दी जाएगी। ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद CRPF की पोस्ट पर आ जाने के बाद सरकार द्वारा CRPF को दी जाने वाली सैलरी 30,000 से शुरू होकर 60,000 हो जाती है, जो वक्त के साथ बढ़ती रहती है। इसी के साथ आपके पद अनुसार आपकी सैलरी भी बदलती रहती है। इसके अलावा आपका इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।